करी हो। कैसे तुम मिले हो जैसे मिल रही है इत्र से हवा, ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले जैसे मिल रही हो इत्र से हवा का फिराना। हो गई है केदारनाथ की यात्रा शुरू, देख पा रहे हैं आप कितनी बड़ी चढ़ाई है, बहुत दूर जाना है। सो जितना हो सके आकाश जी धीरे धीरे चले तो मदद मिल जाएगी, क्योंकि आप खच्चर में नहीं जा रहे हैं, आप चल के जा रहे हैं, तो एक अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चढ़ाई है और हवा इतनी आ रही है, सांस फूल रही है, इसकी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं अकेले 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 मत आइएगा चढ़ाई के लिए चलते वक्त, क्योंकि आपको ज़्यादा थकान होगी, हौसला नहीं मिलेगा, दोस्तों साथ आएंगे तो ज़्यादा हौसला मिलेगा, क्या बोल रहे हैं बिस्कुट जी? सही बात है। एक बार बोल दीजिए बम बम बोले तजर्बा में चाहते हैं। जहाँ देखो वही छेड़ने का इधर कचरा कोई यहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। सो आप खच्चर देख सकते हैं, बट कितना पड़ेगा? 4000 क्या जाने आने में, हाँ क्योंकि जाते वक्त आपको 2300 पड़ेंगे और आते वक्त 1500। तो जितना हो सके आप अगर यंग है तो चलते ही जाए, क्योंकि अभी यंग तो चल सकते इतना दूर, थोड़ा रिस्क लेके। अगर आपको कोई बीमार होगा या कुछ होगा तो, और तीर्थ में आ रहे हैं तो चल के जाना ठीक है। बुरा लग रहा है को? ये है केदारनाथ की चढ़ाई, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं चढ़ाई। बहुत स्ट्रेट है, और रास्ते में टॉयलेट मत कीजिए, क्योंकि एक पवित्र स्थल है तो, और यहाँ पे जुर्माना भी पड़ता है, अगर दिख गए तो आपको 5000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े ही डिस्टेंस में
कैसा लग रहा है बिस्किट जी आपको? बहुत टफ है, आगे और मुसीबतें आने वाली है। अभी तक 2 किलोमीटर ही हुआ। अगर आप सोच रहे हो कि दार्जिलिंग में चढ़ लिए और यहाँ पे हम लोग को मुश्किल नहीं पड़ेगी, तो हम लोग अभी बस 1.5 किलोमीटर चले हैं और हमारी सांसें इतनी तक आ चुकी हैं। सो अभी हम लोग को और 14 किलोमीटर जाना है और चढ़ाई बहुत है, तो जितना हो सके धीरे धीरे चले और रेस्ट करके चले तो आपको आसानी पड़ेगी। ये ज़्यादा थक चुके हैं तो खच्चर दे सकते हैं, पर हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि पिंकी प्रॉमिस किया है चल के जाएंगे। छोटे चल के जाएंगे, छोटे समझ रहे हैं, छोटू है समझ रहे हैं, बिस्किट देख सकते हैं आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो हर एक किलोमीटर में आपको ऐसे छोटे से दुकान और नल मिलेंगे, पीने के लिए पानी मिलेगी, सुविधाएं बहुत है। और 14 किलोमीटर यहाँ पे रुके क्यों? नींबू पानी का थोड़ा एनर्जी, तो एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए रास्ते में ना। कितना करके पड़ रही है, कितने की? 30 की। ऐसा कोई नहीं, 5-star होटल में 40 का आता है, 30 का मिल रहा है, तो सस्ता ही मिल रहा है उस हिसाब से, तो सस्ता बहुत रिजनेबल है। आप लोग दिख पा रहे हैं ये है ये। अरे आ रहा यार, एक तो धीरे धीरे चलो, ज़्यादा हीरोगिरी मारने जाओगे इधर से इधर पहुँचोगे गिर जाओगे। धीरे धीरे चलो, भक्ति से चलो, शक्ति मिलेगी। तब तक हमारा एनर्जी बहुत डाउन हो चुका था बीच में, अब थोड़ी देर पहले मेरा तो कम से कम केदारनाथ का पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे ग्लेशियर्स दिख रहा है, तो एनर्जी आ गया, नींबू पानी पी ली और एनर्जी आ गया, अब ब्रिस्किट को दिख रहा है तो और एनर्जी आ गया। धीरे धीरे रुक कर चले, सांस नहीं फूलेगी। तो बोर्ड का कहा मैंने और धीरे धीरे चले कि हम लोग पहुँच गए भैरव मंदिर। सीधे पहाड़ों से होकर नीचे मुझे बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ पानी। वो दिख रहे पहाड़ छोटू, वो पहाड़ ऐसे नहीं मिलता, चढ़ना पड़ता है छोटू, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और आपको रास्ते में मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी मिलेंगे, चिकित्सा सुविधा केंद्र, तो बहुत अच्छी बात है। जंगल चट्टी पहुंच चुके हम लोग, और ये देखिए सीढ़ियाँ बड़ी जा रही है, बड़ी जा रही है। भोजन केंद्र रेस्टोरेंट को मिल जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र मिल जाएंगे, पुलिस सहायता केंद्र मिल जाएगी, तो बहुत सुविधा है, सेफ है। और इतने लोग को देखिए पुरुष भी आएगा, है अभी थोड़ा रेस्टोरेंट, दुकान दुकान आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और एक्चुअली हमारा सामान भी थोड़ा ज़्यादा है, बैग्स वगैरह, सो आपको अगर सामान नहीं लेके आना तो नीचे आपको पूछ लीजिएगा सोन प्रयाग में, तो आपको 50-100 में आपको रखने के लिए मिल जाएगा सामान। केदारनाथ में आना सच ब्रिलियंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो चढ़ाई करने का वक्त आ गया, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। और एक गुड न्यूज़ है भाई, नेटवर्क तो नहीं है बट आपको यहाँ पे मिल जाएगा केदारनाथ का वाईफाई, केदार वैली वाईफाई, आप कनेक्ट करके उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा
दिया है यहाँ पे, तो चलो चलाते थोड़ा लाइव। हिमबली 1 किलोमीटर और हम दूरी पे है 11 किलोमीटर श्री केदारनाथ। अभी तो 25% ही हुआ है। अभी क्या लगता है, थकान कितनी है? थकान तो काफ़ी है, लेकिन कोई नहीं, थकान तो वहाँ जाके मिटे। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मिठास है पानी में, मिठास है पानी में, खाने में मिठाई मिठास है, सस्ता भी है, टिकाऊ खाना भी है। अभी जो हमने सुबह का खाया उससे लगभग हम केदारनाथ पहुँच जाएंगे, तब तो भी हमको भूख नहीं लगेगा, इतना खाली है बस। कितने रुपए पर रेट? 80 रुपये में राइट। तो आप चढ़ाई के बाद पानी पियेंगे ना, आपको लगेगा 1 महीने के बाद कोई खून चढ़ा रहे, बिना खून के रह रहा था खून चढ़ा रहे, लेकिन ये बिस्किट क्या होता है? सलन पानी, बाप रे बाप। तो आप पानी तो पीजिए, बट बहुत ज़्यादा रेस्ट के बाद, और ज़्यादा पानी ना पीजिए, दो घुट पीजिए, नहीं तो आप चल नहीं पाएंगे। आपके खूबसूरत सा वाटरफॉल दे रहा हूँ, आप रास्ता देख ही सकते हैं। ऐसे रास्ते में 16 से 18 किलोमीटर जाना है, तो आराम करके जाइएगा। तो हम लोग पहुँचने वाले भीमबली, और यहाँ पे देखा मैंने कि हम लोग नौजवान अभी यहाँ पे हैं, पर यहाँ पे 40, 50, 60, 70 के लोग भी दिख रहे हैं, जो कि बहुत लोग चल के ही जा रहे हैं। तो ये पागलपन हो सकता है या तो भक्ति हो सकती है, भक्ति की शक्ति होगी जो उनकी उतना स्टैमिना दे रहा है। चल विशेष भाई, और हिम्मत है? हिम्मत तो बहुत है, बाबा के पास पहुंच करेंगे। चलो जय बोले, जय बोले। मैंने बुलाया है, स्टेमिना है, पहुंचेंगे। सारी कृपा हमारे गुरु बाबा की है। रास्ते देख सकते हैं आप कैसे, रास्ता ही नहीं है, सो हमको बहुत संभाल के जाना है। 1 मिस्टेक और आप सीधे खाई के नीचे, तो बहुत सावधानी से चले। घोड़े अगर आगे से आ रहे हैं तो ओवरटेक ना करे। ओ शिट, बहुत संभाल के चले क्योंकि यहाँ बहुत सारी दुर्घटना होती रहती है। अच्छा, बहुत ध्यान से चले, आराम से चले, दोस्तों के साथ चले, मेरी हिम्मत भी नहीं मिलेगी। लोगों को लगेगा आप बहुत चल चुके, बट चलते कितने हैं? 500 मीटर। आपका थकान होगी 5 किलोमीटर की, पर चलेंगे 500 मीटर। चुके हमसे मुसाफिर, क्यों तो कहीं दिल ना लगा हमने किसी से, काफी राना है, इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही है इत्र से हवा, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा का पिराना। जय भोलेनाथ, बम भोले। आने वाले श्रद्धालुओं से एक रिक्वेस्ट है कि जाने वाले श्रद्धालुओं के थोड़ा हौसला बढ़ाए,
यस सही कहा, यहाँ पे देखा हर जगह पे झरना है, वाटरफॉल, पानी की कमी नहीं है। जैसे मुकेश अंबानी को पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। कभी भी आप आओगे पानी की टेंशन नहीं लीजिएगा, और इतना प्योर पानी फ्री में। खाली बोतल लेके आनी है और ठंडी। अरे वाह वाह, अभी तो खच्चड़ मेरे को खच्चड़ कर देता। आगे देख के चलो की थी खच्चड़ से। तो संभाल के चले, धीरे चले, क्योंकि जानवर हैं। तो हम पहुँच चुके भीमबली, समुद्र तल से ऊंचाई 2670 मीटर। इतनी चढ़ाई करनी है अभी हमें, और क्या कहते हैं पिट्ठू। सुशांत भाई, भाई ने उठाया था हमारी 9 साल की बेटी सारा खान, उनको उठाया था। टकरा चुके हैं सुशांत जी, और देख सकते कितना मेहनत करना पड़ा था सुशांत को एक्टिंग करने में भी। आराम करके कुछ खाएंगे चलो चले मितवा इन कुछ निची राहों में, इन प्यारी प्यारी तो हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता चल चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि शाम तक बारिश भी होने वाली है, तो हमें जल्दी पहुंचना है। पूरा शेल्टर और आपको दिख रहा है वो पीछे, मौसम बिगड़ रहा है और हम लोग के आस पास शेल्टर नहीं है, बेस कैंप पे जाना पड़ेगा। और हम बहुत थक चुके हैं, कंटिन्यू 7.5 घंटे से वॉक कर रहे हैं, और रास्ता बहुत ही ख़राब है। आप पानी पिए थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मत पीजिए, चल नहीं पाएंगे। हम लोग की हालत पतली हो रही है, ठंडी बढ़ रही है, जितने क्लोज जा रहे हैं हम लोग। सो जब भी आए धीरे चले, ज़्यादा जोर ना दे अपने शरीर को, जितना हो सके कम सामान लाए। हम लोग पहुँचने वाले केदारनाथ बस 3 किलोमीटर, बट यहाँ 3 किलोमीटर और कितनी ब्यूटीफुल है। देखिए
बर्फ ही बर्फ।